नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन रसोईका। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स की चाट। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी टू मेक है। हम लोग अलग अलग तरीके के वेरिएशंस ढूंढते रहते हैं चाट के लिए, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि ऐसी चाट बनाओ जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी ना हो और झटपट से बन जाए। स्प्राउट्स वैसे भी हेल्दी होते हैं अगर हम उन्हें ब्रेकफास्ट में या इवनिंग टाइम में खाएं तो, लेकिन अगर कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो उसकी बनाई हुई चाट भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसकी रेसिपी। पे मैंने लिए हैं स्प्राउट्स। इसमें मैंने ली थी साबुत मूंग, लोबिया था और साथ में इसमें काले चने थे। इनको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था और उसके बाद एक कपड़े में बांध के रख दिया था, जिससे कि जो हमारी जितने भी बीन्स थे वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद मैंने इनको हल्का सा स्टीम कर लिया है। आप चाहे तो कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, पर हल्का सा स्टीम करने से ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो खाने में अच्छा लगता है। इसके बाद अब मैंने इसमें डाले हैं यहाँ पे कटे हुए अनियन, खीरा। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, सब चीज़ों की क्वांटिटी हम अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पर ऐड करेंगे। बाद मैंने बॉईल किया हुआ आलू डाला है और इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी काट के रखी हुई थी। बाद मैंने डाला है कटा हुआ टमाटर और साथ में हरा धनिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च, तीखेपन के लिए, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने यहाँ पे नमक का यूज़ किया है। नमक आप देखकर डालिएगा, क्योंकि जब मैंने स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम किया था तब भी यहाँ पे नमक ऐड किया था। मैंने यहाँ पे डाली है ये पापड़ी। ये वो वाली पापड़ी है जो हम पापड़ी चाट में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये वाली पापड़ी नहीं है तो आप यहाँ पे, अगर आपके घर में कोई भी मट्ठी रखी है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नींबू डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपको जितना खट्टा चाहिए आप उतना नींबू यहाँ पे यूज़ कर लें। और अब हम इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये तो हमारी स्प्राउट्स बनकर तैयार हो गए। अभी ये चाट नहीं बनी है, सिर्फ अभी ये स्प्राउट्स तैयार हुए हैं वेजिटेबल्स के साथ। तो चलिए अभी हम इसे असेंबल कर लेते हैं चाट फॉर्म में। अगर आपको चाट नहीं खानी है तो आप खाली वेजिटेबल के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इस पे गार्निश कर रही हूँ हरी चटनी के साथ। इसके बाद मैंने यहाँ पे खट्टी मीठी सौंठ डाली है, क्योंकि होली में सबके यहाँ दही बल्ले ज़रूर बने होंगे और अगर दही बल्ले बने हैं तो मीठी चटनी भी ज़रूर बनी होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे दही डाला था। दही में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर मिला ली थी। आप चाहें तो प्लेन दही भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर डाल रही हूँ बेसिक से मसाले, जिसमें मैंने भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला था। इसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चटनियाँ डाली हैं और उसके ऊपर मैंने दोबारा इसे गार्निश करा है प्याज के साथ, खीरे के साथ, थोड़ा सा टमाटर और आलू। तो हमारी अमेजिंग सी मोठ चाट हो गई है बनकर तैयार। हेल्दी भी है और टेस्टी भी। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सुबह ठीक 11:30 बजे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करने के लिए।